जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स। फर्स्ट वी स्टार्ट विद क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द कंप्लीट रिवोल्यूशन, सो देर आर 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री टू 360 डिग्री। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा आर पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट थीटा कोट थीटा पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कोस थीटा सीकेंट थीटा पॉजिटिव। ठीक है, कैसे याद करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट थीटा और उल्टा कोट थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा हमारे पॉजिटिव होते हैं। इन रिजल्ट्स को एक्सरसाइज 3.2 के अंदर यूज करेंगे। अब अलाइड एंगल क्या होते हैं, आपके अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल इज सेड टू बी अलाइड एंगल ऑफ एक्स, किसका अलाइड एंगल बोलूंगा? एक्स का, इफ देयर सम और डिफरेंट इज आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। फॉर एग्जांपल माइनस एक्स इज अलाइड एंगल ऑफ एक्स। अब माइनस एक्स प्लस एक्स करें तो बच्चे क्या आ गया आपका? जीरो। तो हमने यही बोला था अलाइड एंगल की डेफिनेशन में, आपका कितना हो, सम या तो जीरो हो या सम और डिफरेंस या तो जीरो हो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। नेक्स्ट है आपका पाई बाय टू माइनस एक्स, प्लस एक्स करूंगा तो बच्चे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? पाई बाय टू। इनके ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूं आपको। और एक और बात याद रखना बच्चे, जो आपका जीरो होता है या आपकी जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है, आप पढ़ के आए थे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता था। अब ऐसे ही आपका क्या आया था, आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये कौन सी लाइन के ऊपर चला जाता था बच्चे? 90 माइनस थीटा वाई एक्सिस के ऊपर चला जाता था, तो ये चेंज हो जाता था, क्या हो जाता था आपका? कोस थीटा हो जाता था। याद रखना जो आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो चेंज नहीं करेगी, जो आपकी वाई एक्सिस मतलब पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू यानी 270 डिग्री वाली जो आपकी ये लाइन है चेंज कर देगी। यदि आपसे साइन 90 माइनस थीटा है तो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट्स के साथ, मैं आपको सारी ये वैल्यूज बताता हूं साथ के साथ। फर्स्ट हम पढ़ के आए थे, अब देखेंगे मैं क्वाड्रेंट थोड़ा छोटा कर रहा हूं साइज में, ये आपका यहां से स्टार्ट कर रहा हूं पाई बाय टू, इस साइड आएगा तो माइनस एक्स होगा, क्या होगा? पाई बाय टू माइनस एक्स। फर्स्ट केस क्या है हमारा, केस फर्स्ट में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पाई बाय टू माइनस एक्स एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स तो क्या होगा आपका, हम पढ़ के आए थे साइन 90 माइनस, क्योंकि पाई बाय टू को मैं डिग्री को मैं रेडियन में चेंज कर देते थे, वो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपका 90 डिग्री किस में आ गया था? पाई बाय 2। 90 किसके इक्वल होता है? पाई बाय 2 के इक्वल होता है, याद कर लेना मुझे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस एक्स या 90 माइनस थीटा तो हम पढ़ के आए थे कोस थीटा होता था। अब याद रखना है ये वाई एक्सिस वाली लाइन चेंज कर देगी, पाई बाय 2 चेंज कर देगा, तो साइन 90 माइनस एक्स तो साइन पाई बाय 2 चेंज कर देगा किसमें? कोस थीटा में, कोस एक्स में। और आपका अब याद रखना ये क्वाड्रेंट है आपका फर्स्ट, पाई बाय टू माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं। अब कोस पाई बाय टू माइनस एक्स करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कोस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है आपका? प्लस साइन एक्स होता है। अब उसके बाद टेंजेंट पाई बाय टू माइनस एक्स किसके अंदर चेंज करेंगे? तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा तो आपका क्या होता था? कोट थीटा मतलब कोस एक्स हो जाएगा। अब कोट 90 मतलब पाई बाय टू माइनस एक्स तो करेंगे तो आपका क्या होता था? कोट 90 टेंजेंट एक्स आ जाएगा। ऐसे ही सेम कोसिकेंट पाई बाय टू माइनस एक्स तो आपका क्या होता था? कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता था आपका। और सीकेंट 90 पाई बाय टू माइनस एक्स करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। तो हमने पाई बाय टू वाले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पाई बाय टू माइनस एक्स को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चे आपका?
मैं बताता हूं आपको, पहले बढ़ा के दिखाता हूं। अलाइड एंगल समझ में आया आपको, जिनका सम और डिफरेंस आइदर जीरो हो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो, ठीक है। मैं क्वाड्रेंट के हेल्प से आपको बताता हूं कैसे करते हैं इनको, ठीक है। यहां पे आपका जीरो, यहां पे पाई बाई टू। अब क्या हो सकता है बच्चे, पाई बाई टू माइनस एक्स हो सकता है यदि एक्स कोई एंगल लेता हूं, या पाई बाई टू प्लस कोई एक्स हो, एंगल हो सकता है। यहां पे क्या आ जाएगा आपका 180 मतलब पाई, या तो पाई माइनस एक्स हो सकता है या पाई प्लस एक्स हो सकता है। यहां पे करेंगे तो आपका ये होता है 3 पाई बाई टू मतलब 270, तो 3 पाई बाई टू माइनस एक्स तो इससे इस साइड हो जाएगा, ये इससे इस साइड होता था, ये इससे इस साइड होता था। यहां पे करेंगे तो ये एंगल्स ऐसे बनते थे बच्चे, या 370 3 पाई बाई टू माइनस प्लस एक्स कर देंगे इस साइड चला जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 पाई, तो 2 पाई में भी दो केस होंगे बच्चे, 2 पाई माइनस एक्स मतलब इस साइड, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई। आपका किसके इक्वल है 2 पाई, यहां पे जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं जीरो माइनस एक्स भी लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है, आया समझ में। तो यहां पे इसका इसका इसकी वैल्यू आप माइनस एक्स भी बोल सकते हो, या 2 पाई प्लस एक्स तो ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। ये होते थे, अब सबके साथ सबकी बात करता हूं। पहला मैंने पाई बाई टू माइनस एक्स, अब टेंथ में पढ़ के आए थे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता था, आपने सारे बताए थे, अब इसके अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसका क्या आएगा आपका पाई बाय टू प्लस एक्स के लिए बोल रहा हूं। अब पाई बाय टू प्लस एक्स में क्या करेंगे बच्चे, तो हम पहला साइन पाई बाय टू प्लस एक्स क्या होगा आपका, अब मैंने बताया था पाई बाय टू चेंज कर देगा, क्या कर देगा पाई बाय टू किस में बदल देगा कोस एक्स में, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट, आपको यह बात याद रखनी है, साइन 90 में कुछ ऐड हुआ है तो ऐड हुआ तो आपके किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते थे, साइन और कोसिकेंट, अब साइन है पॉजिटिव आ जाएगा। अब कोस की बात करते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा कोस पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो, ठीक है, तो आपका माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। टेंजेंट पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे प्लस एक्स करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट, क्योंकि पाई बाई टू चेंज कर देगा साइन एक्स में, और प्लस एक्स करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव होता था कोस सेकंड क्वाड्रेंट में। अब टेंजेंट पाई बाई टू प्लस एक्स करेंगे, टेंजेंट पाई बाई टू प्लस एक्स, अब टेंजेंट पाई बाई टू है बच्चे चेंज कर देगा किस में चेंज कर देगा कोटेक्स में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है आपका नेगेटिव होता है। उसके बाद कोसिकेंट पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा आपका, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था चेंज कर देगा, कोसिकेंट किस में बदल देगा आपका सिकेंट एक्स में बदल देगा। अब 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोट पाई बाई टू प्लस एक्स की, अब कोट किस में कन्वर्ट कर देगा आपका टेंजेंट में बदल देगा। अब कोट पाई बाई टू माइन प्लस एक्स है आपका, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोट आपका, क्योंकि किसको देखेंगे बच्चे, इसमें मैंने साइन को देखा था, यहां पे कोस को, यहां पे टेंजेंट को, यहां पे कोसिकेंट को, अब कोट सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता था तो ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आता था, एक रिमेनिंग रह गया आपका सिकेंट पाई बाई टू प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका सिकेंट 90 प्लस थीटा, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, सिकेंट चेंज हो जाता था आपका कोसिकेंट में, ठीक है, और कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में सिकेंट नेगेटिव होता है, इसको नहीं देखेंगे बच्चे, इसको देखेंगे सिकेंट 90 प्लस एक्स, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, तो आपका माइनस सिकेंट एक्स आ जाएगा। तो किसका था आपका, आपका पाई बाई टू प्लस एक्स का था। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका, इसके बाद हमने पाई बाई टू माइनस एक्स कर लिया, पाई बाई टू प्लस एक्स कर लिया, पाई माइनस एक्स क्या आ गया आपका साइन पाई माइनस एक्स। अब मैंने बताया था बच्चे ये लाइन चेंज नहीं करती, पाई चेंज नहीं करता, तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन एक्स में। अब हम चेक करेंगे बच्चे पाई माइनस एक्स मतलब पाई से कुछ माइनस हो रहा था, किस क्वाड्रेंट में आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कोस पाई माइनस एक्स। अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस एक्स और कोस चेंज नहीं करता, कोस एक्स आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस नेगेटिव होता है। उसके बाद टेंजेंट पाई माइनस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस है टेंजेंट एक्स, क्योंकि ये चेंज नहीं करेगा टेंजेंट एक्स हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। उसके बाद कोसिकेंट पाई माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स में,
ठीक है, क्योंकि कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है बच्चे, तो प्लस कोसिकेंट हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना इसको सिकेंट पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस सिकेंट एक्स हो जाएगा। उसके बाद कोट पाई माइनस एक्स, तो आपका कोट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोट एक्स आ जाएगा। ये केस था आपका पाई माइनस एक्स का। अब पाई प्लस एक्स का करते हैं, किसका करते हैं, तो यहां पे प्लस कर दूंगा बस सिंपल। ठीक है, अब साइन पाई प्लस एक्स, पाई चेंज नहीं करेगा, पाई चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा साइन एक्स होगा, लेकिन पाई प्लस एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में आपका टेंजेंट एक्स एंड कोट एक्स ही पॉजिटिव होते थे, मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा, कोस भी नेगेटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कोसिकेंट नेगेटिव, सिकेंट नेगेटिव और कोट पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका किसका हो जाएगा, पाई प्लस एक्स का हो जाएगा। उसके बाद आपका, उसके बाद है आपका 3 पाई बाई 2, मतलब 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स करता हूं, और करेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, किसमें चेंज होगा बच्चे, अब मैंने बताया था 3 पाई बाई 2 तो चेंज करेगा, किसमें चेंज कर देगा कोस में। अब सेकंड क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा। सेम करेंगे कोस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब 3 पाई बाई 2 चेंज कर देगा साइन एक्स में। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, अब टेंजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा कोट में। अब टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं बच्चे रिमेनिंग्स को भी। ठीक है, उसके बाद में यदि प्लस का लेता हूं, अब 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब प्लस लेंगे तो बच्चे यहां पे भी प्लस आ जाएगा, यहां पे भी प्लस आ जाएगा और यहां पे भी प्लस आ जाएगा। अब साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 चेंज करेगा कोस एक्स में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है साइन तो नेगेटिव होता है, अब कोस 3 पाई बाई 2 चेंज कर देगा साइन एक्स में। अब प्लस करेंगे तो बच्चे ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स या कोस थीटा एंड सिकेंट थीटा आपके पॉजिटिव होते थे, तो ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता था तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसके लिए था 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स के लिए था। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट, आपका क्या है नेक्स्ट है आपका 2 पाई माइनस एक्स, अब साइन 2 पाई माइनस एक्स, अब 2 पाई का मतलब ये लाइन तो चेंज नहीं करेगी आपकी, क्योंकि मैंने बताया था ना पाई चेंज करता ना 2 पाई चेंज करता ना 0 चेंज करता, अब किस में कन्वर्ट कर देगी बच्चे साइन एक्स में। अब पाई 2 पाई माइनस एक्स मतलब इससे कुछ कम, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे 2 पाई का मतलब 0, साइन माइनस एक्स क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स। उसके बाद कोस माइनस एक्स, या इसको लिख सकते हैं कोस 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है आपका, अब 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट चेंज नहीं करेगा, 2 पाई कोस एक्स हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो कोस पॉजिटिव आ गया, कोस एक्स हो गया। उसके बाद आपका करते हैं टेंजेंट 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, टेंजेंट चेंज नहीं करेगा टेंजेंट एक्स हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, या टेंजेंट माइनस एक्स कर सकते हो इसको, तो ये माइनस टेंजेंट एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका कोसिकेंट 2 पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट को 2 पाई चेंज नहीं करेगा तो कोसिकेंट एक्स, और यहां पे नेगेटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे कोसिकेंट माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या होगा ये, अब जिसको 0 माइनस भी लिख सकते हो या 2 पाई बाई, क्योंकि 2 पाई इक्वल्स टू 0 मैंने बताया था आपको। अब ये 0 माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका 0 चेंज नहीं करेगा कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, अब फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, यहां पे क्या आ गया आपका साइन माइनस एक्स पढ़ा हमने माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स पढ़ा कोस एक्स, टेंजेंट माइनस एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट माइनस एक्स आपका माइनस कोसिकेंट एक्स। ऐसे ही आप सिकेंट माइनस एक्स पढ़ेंगे बच्चे, माइनस एक्स का मतलब आप 0 माइनस एक्स लिख सकते हो, 0 मतलब ये लाइन, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट चेंज नहीं करेगा तो सिकेंट एक्स हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिकेंट आपका पॉजिटिव होता है। तो याद रखना सिकेंट या कोई भी आपका माइनस साइन माइनस थीटा, हम देख लेंगे बच्चे दो ही पॉजिटिव होते हैं कोस और सिकेंट, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे अलाइड एंगल्स के। अब स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज आपकी, एक्सरसाइज
3.2. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ हमें गिवन है कोस एक्स इज इक्वल्स टू -1/2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, किसमें बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, हमें फाइव अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको याद होगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, यहां पे आप साइंस, क्योंकि आपको 5 की वैल्यू निकालनी, तो पहले साइंस स्क्वायर एक्स की निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहां पे पुट करता हूं किसकी वैल्यू, कोस की, इनटू 1/2 स्क्वायर। हमें टेंथ में भी ऐसे क्वेश्चंस करते थे, उसमें क्वाड्रेंट नहीं होता था बस आपका, ठीक है। यहां पे करेंगे तो 1 - 1/2 स्क्वायर, तो प्लस का हो या माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देगा, 1/4 या का 3/4 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4, और साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चे प्लस माइनस 3/√2। अब कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, अब क्वाड्रेंट देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता था, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -√3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता था। अब यहां से कोस हमें गिवन है तो सिकेंट क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल होता है 2/1, साइन निकाल लिया तो कोसिकेंट क्या आ जाएगा आपका, कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2/√3 माइनस का। अब क्या निकालना था आपको, टेंजेंट एक्स, अब टेंजेंट एक्स क्या होता था साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू -√3/2, कोस एक्स की वैल्यू आपकी, कोस एक्स की वैल्यू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपकी √3 आ गई। उसके बाद हम निकालना चाहें किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चे, हम निकालेंगे आपका कोटेक्स, कोटेक्स इसका रेसिप्रोकल होता था 1/√3 आ जाएगा। हमने अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बच्चे सारे सिमिलर हैं, अप टू फिफ्थ आपके सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, मैं कुछ पार्ट आपके डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब आपका सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में कहता है हमें साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5, ठीक है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बच्चे देखो इसने हमें गिवन भी दिया है कि साइन एक्स पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में, दो ही में साइन पॉजिटिव होता है। अब कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर एक्स, पुट करेंगे बच्चे 1 - इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25, अब एलसीएम लेंगे तो 25 - 9 = 16/25, तो कोस एक्स इज इक्वल टू √ दूंगा तो +4/5 आ गया बच्चे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो -4/5 आ गया। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट की वैल्यू आ गई आपकी 5/3, अब कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट एक्स होता है तो कितनी आ जाएगी -5/4। अब क्या निकालना है आपको, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स क्या होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू 3/5, अब कोस एक्स की वैल्यू -4/5, 5 से 5 कैंसिल तो -3/4 आ गया। अब कोट एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा आपका -4/3 आ जाएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, यह आपका सेकंड पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं मैं, थर्ड पार्ट आपका सिमिलर, मैं अब चलता हूं फोर्थ पार्ट के ऊपर, किसके ऊपर, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में कहता है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका, इफ सिकेंट एक्स गिवन है हमें 13/5, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें लाई करता है बच्चे फोर्थ, हमें पता चल रहा है क्योंकि सिकेंट एक्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब सिकेंट एक्स पता है तो बच्चे कोस एक्स निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 5/13, अब साइन एक्स निकाल सकते हैं, साइन एक्स क्या होता था 1 - कोस स्क्वायर एक्स √, ठीक है, तो √1 - कोस स्क्वायर एक्स, 1 - इसका स्क्वायर करूंगा तो बच्चे 25/169, यहां पे करेंगे तो अब एलसीएम लूंगा 169 - 25, 169 - 25 / 169, तो ये आपका आ जाएगा 144 / 169, तो ये आपका हटाएंगे तो इसको क्या आ जाएगा +- आपका 12/13, क्या आ जाएगा +- 12/13, क्योंकि यहां पे स्क्वायर होता है तो आपका मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 - कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, √ दूंगा तो बच्चे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +√1 - कोस स्क्वायर एक्स, याद रखना बच्चे क्योंकि तो हमें क्वाड्रेंट देखना, तो यहां पे प्लस माइनस भी आएगा आपका साथ में, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वाड्रेंट है फोर्थ,
फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12/13 आ गई। कोसेकेंट एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहां से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 13/-13/12। अब टेंजेंट एक्स तो वेरी सिंपल क्या होता है आपका, साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो -12/13 डिवाइडेड बाई 5/13। अब 13 से 13 कैंसिल, ये आ गया आपका -12/5। और कोटेक्स निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -5/12 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 7 2 7 6 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, अभी मैंने सिखा के आया था आपको अलाइड एंगल्स, उसके ऊपर काम करेंगे हम 7 6 5। अब ऐसे किसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे 7 6 5 को, मेरे को पता था 2π या 360 होता था मेरा। ठीक है, 4π कितना होता है बच्चे आपका, याद कर ले इसका डबल हो जाएगा तो 720। इसको लिख सकता हूं 720 + 45। अब मैंने बताया था आपको, याद रखना बच्चे, साइन 2π + x अगर क्या होता था साइन x। और याद रखना कोई भी मल्टीपल हो, मतलब n 4π + x करेंगे वो भी साइन x आएगा, क्योंकि आपको पता है 2π की वैल्यू 0, तो प्लस x करेंगे तो 2π = 0 रख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा। तो इसको कैसे, तो किसकी वैल्यू है बच्चे, इसको लिख सकता हूं 2 × 360 + 45। इसको करेंगे तो साइन, अब 2 × 260 को 2π + 45 degree। ठीक है, या 45 को भी आप लिख ले तो क्या होता था आपका 45π/4 होता है। ठीक है, तो आप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो आपका 2π + ये वाला फॉर्मूला बढ़ गया, साइन एक्स हो जाएगा, मतलब साइन पाई बाई फोर, या इसको जीरो कर देंगे तो 0 + π/4, तो π/4 ही आ जाएगा। और साइन 45 कितना होता था आपको, आपको सबको पता है 1/√2 होता था। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। कुछ नहीं किया बच्चे, इसको चेंज कर लेंगे किसमें, हमें पता है 360 की फॉर्म में, 360 720, फिर इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3π की वैल्यू आपकी किसकी वैल्यू होती है, 2π की वैल्यू ये है, तो 4π की ये हो जाएगी बच्चे। ठीक है, उसके बाद ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसेकेंट। ठीक है, अब आपको एक वैल्यू पता है बच्चे, आपको फॉर्मूला पता है कोसेकेंट माइनस एक्स। अभी बता के आया था मैंने, कोसेकेंट माइनस एक्स का मतलब है 0 - x। अब 0 चेंज नहीं करता, मैंने बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा कोसेकेंट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेकेंट एक्स। और कोसेकेंट 0 - x का मतलब बच्चे, इससे कुछ कम किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, माइनस होता है कोसेकेंट। ठीक है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा आपका, इसको मैंने पूरा एक्स मानू तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं करना चाहूं तो अब मेरे को पता है कि क्या वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, अब मेरे को 360 का मल्टीपल बनाना है, 362 जा तो मैंने 720 कर लिया था, अब 720 में मैं 360 ऐड करता हूं तो क्या आएगा आपका 0 8 ये 10 1080 हो जाएगा। अब इसमें 360 ऐड करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, अब 360 ऐड करेंगे 0 4, अब 1 कैरी तो 4, ये क्या ये इससे ज्यादा है, यस ये तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा करना चाहे तो ज्यादा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, इसको 40 - 30 किसको लिख सकता हूं मैं आपका 1410 को लिख सकता हूं, यस राइट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका, किसका मल्टीपल है आपका, ये 2π का मल्टीपल है, तो माइनस कोसेकेंट इसको क्या लिख सकता हूं 1410 को लिख सकता हूं 1440 - 30। अब ये पता था ये किसका मल्टीपल है, 2π का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, कोसेकेंट माइनस 30 हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कोसेकेंट में भी सीधा ही होता बच्चे, एन इंटू 2π - x है, तो आपका क्या हो जाएगा कोसेकेंट माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अब कोसेकेंट माइनस थीटा यही वाला वापिस लगाएंगे तो बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोस का कोसेकेंट 30 हो जाएगा। कोसेकेंट 30 क्या होता है आपका, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, तो ये 2 आ जाएगा इसका आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सारे सिमिलर है बच्चे, 8 क्वेश्चन।
टेंजेंट 19 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो सोल्व करेंगे बच्चे ये क्या होता है, टेंजेंट ऐसा हो तो और भी इजी हो जाता है। इसको लिखता हूं 18 पाई प्लस पाई 19 पाई को, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करा दो, आपको सिंपल हो जाएगा बच्चे 18 पाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब इसको कट करूंगा तो ये आपका 6 पाई आ गया। अब 6 पाई को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब मैंने बताया था 2 पाई इसको तो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे जीरो, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 2 पाई इक्वल्स टू होता है, तो आपका इसका जीरो पुट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा पाई बाई 3। अब टेंजेंट पाई बाई 3, टेंजेंट 60 क्या होता है आपका अंडर रूट 3। ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। अब मैं चलता हूं, ठीक है, आपका 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th 10th सिमिलर बच्चे, मैं 9th पार्ट आपका करवाता हूं, 10th पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब है साइन माइनस 11 पाई बाई 3। आपको पता है साइन माइनस एक्स, याद कर लेना बच्चे, अब तो याद हो गया होगा, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 11 पाई बाई 3, ठीक है। अब 11 पाई बाई 3, ठीक है बच्चे, मैं 11 पाई को ऐसे लिखता हूं, मैं बच्चे इसमें पाई ऐड कर देता हूं और पाई 1 पाई ऐड कर देता हूं, 1 पाई माइनस कर देता हूं, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है। अब 1 पाई इसको ऐड करोगे तो बच्चे 12 पाई हो जाएगा माइनस पाई। अब डिवाइड भी करना है क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई को लिख सकते हैं, आपको पता है 12 पाई माइनस पाई आपका 11 पाई ही रह जाएगा, डिवाइड में 3 है, अलग अलग डिवाइड करा देंगे, ठीक है। अलग अलग डिवाइड कराएंगे तो आपका 12 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। आप कट करेंगे तो ये 4 पाई, अब आपको पता है माइनस साइन, अब 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई लिख सकता हूं, माइनस पाई बाई 3। अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि बताया था मैंने 2 पाई को आप जीरो पुट कर सकते हैं। अब क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3। अब साइन, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा, साइन माइनस अंदर बच्चे माइनस बाहर आ जाएगा, दो बार माइनस होगा तो माइनस साइन पाई बाई 3। अब माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3, साइन 60 आपका क्या होता है अंडर रूट 3 बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सरसाइज आपकी 3.2 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।